हम एज अ नेशन जनरली रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। हम ऐसा नहीं करते कि हम पहले से प्रीएम्प्ट करें कि यार पहले ही ये चीज़ों को सोच लें ताकि आगे जाकर के ये चीज़ ना हो। जब वो चीज़ हो जाती है हम तब सोचते हैं कि अब हम क्या करें। ये तो जनरली एज अ नेशन हम हैं। बट ऑन टॉप ऑफ दैट, जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, तो एक इंडिकेटर है, प्रॉक्सी इंडिकेटर है, जो ये दिखाता है कि नीड टू हैव लेस चिल्ड्रन, नीड टू डू फैमिली प्लानिंग और यूज़ कॉन्ट्रसेप्शन और स्पेस बिटवीन किड्स तो है। और उसका प्रॉक्सी इंडिकेटर ये भी बनता है कि रफली अराउंड, एंड दिस इज़ अगेन अ कंजर्वेटिव नंबर आई एम शेयरिंग, 2.2 million अबॉर्शन टेक प्लेस इन पाकिस्तान, एंड दे टेक प्लेस असेंशली इन एन अनसेफ मैनर। दैट मीन्स 2.2 million अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज टुक प्लेस विच कुड हैव बीन प्रिवेंटेड इफ कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स वर यूज्ड एट द राइट टाइम, इफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स वॉज गिवन एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर एंड काउंसलिंग वॉज डन। तो इग्नोरेंस तो हमारे यहाँ बहुत है। आपकी अबॉर्शंस के इंडिकेटर्स अगर आप देखते हैं, नंबर्स आप देखते हैं, तो ये तो यू नो अकाउंटेड फॉर नंबर्स हैं, इससे तो कहीं ज़्यादा होंगे। आई वुडन्ट बी सरप्राइज अगर कोई मुझे बोले 4.4 million है, आई वुडन्ट बी सरप्राइज। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, एंड यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव ऑल्सो लर्नड इज फैमिलीज ये सोचती हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाएगी तो हो जाएगी, उसके बाद अबॉर्शन करा लेंगे। ये नहीं रियलाइज करते कि वो जो अबॉर्शन हो रहे हैं वो अनसेफ अबॉर्शन हो रहे हैं, उसमें मदर हैज़ अ रिस्क। इट्स नॉट लाइक कि आपने उसको अबॉर्शन करा लिया तो कल से वो बिल्कुल ठीक हो गई। वाई चूज अ डिफिकल्ट अनसेफ राउट टू गेट रिड ऑफ एन अनवांटेड प्रेगनेंसी व्हेन आपके पास प्रिवेंटिव मेजर्स ऑलरेडी हैं? अगर डॉक्टर्स आपको सही टाइम पे बता दें, अगर आप थोड़ा सा एजुकेट अपने आप को कर लें, अगर आप अपनी थोड़ी सी मैनहुड को काबू में रख लें, तो इट इज़ पॉसिबल यू नो टू प्रिवेंट दैट। अनदर इंडिकेटर अबॉर्शंस के नंबर्स के साथ साथ जो आता है वो है यूज़ ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स। पाकिस्तान में हाइस्ट सेल्स ऑफ एनी कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड इज इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल। What does it tell you? Unpack it. What does it tell you? It tells you that that couple does not want to have a child at this point in time, but they had unsafe sex and now they are taking emergency contraceptive pill. I was again exposed to someone who came to me and said, can you please get me a prescription? Main ek pharmacy pe gayi, unhone mujhe kaha ki emergency contraceptive pill ki prescription chahiye. Ye ek alag dilemma hai, alag topic hai. Emergency contraceptive एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, इट शुड बी OTC, बट कभी कभी उसके लिए आपसे वो मांगी जाती है, प्रिस्क्रिप्शन मांगी जाती है। अच्छा, अब उसने कहा कि जी प्रिस्क्रिप्शन मुझे किसी से दिलवा दें, एंड आई सेड यू नो आई ऑब्वियसली स्टार्टेड काउंसलिंग ऑन कॉन्ट्रसेप्टिव क्यों नहीं यूज़ करते, ये वो फला टिमकाना, एंड आई आस्क्ड हर कि कितनी दफ़ा तुमने मंथ में यूज़ कर लिया है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शी सेड ये मेरी 6th टाइम है, मैंने एक बार बल्क में परचेज कर लिए थे वो ख़त्म हो गए, एक महीने में मैं 6th टाइम इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल को यूज़ कर रही हूँ। कैन यू इमेजिन? दैट मीन्स 6 अनप्रोटेक्टेड सेक्स विच कुड हैव लेड टू अ प्रेगनेंसी, और उन्होंने अपना कॉन्ट्रसेप्टिव का मेथड क्या चूज़ किया हुआ है? इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल खा लेंगे ना, इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी टू टेक इट दिस फ्रीक्वेंटली, इट्स नॉट। उससे तो सेफर मेथड्स, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। You can be at peace when you're with your partner, when you're with your husband, when you're with your wife, by using a contraceptive method. So these things are some examples to show ki kitni ignorance hai. Desire nahi hai bachcha karne ki. Unwanted pregnancies ho rahi hain. Aisa nahi hai ki pregnancies ho rahi hain, unwanted pregnancies bhi ho rahi hain. Aur phir un unwanted pregnancies ka solution jo hai, wo preventive lene ke bajaye hum riskier routes le rahe hain.